हेलो एवरीवन, तो ये जो टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें मैं जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो मैं कवर कराऊंगा, और जो भी मेडिकल एग्जाम में जैसे नीट हो गया या AIPMT उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जो नेट एग्जाम में आते हैं जो कि हम मास्टर्स के बाद देते हैं, उसके लिए भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेशन देखिए, पहले हम इसका देखेंगे डेफिनेशन क्या है डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। जो भी आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं, जैसे आपने रोटी खाई या चावल खाया, तो डायरेक्टली तो आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होता नहीं, तो उसका कन्वर्जन होता है सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म्स। सिंपल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा ताकि वो आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके। तो वो जो कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो यानी वाटर, लाइसिस यानी ब्रेकडाउन, वाटर के हेल्प से जो उनका ब्रेकडाउन होगा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल स्मॉल डिफ्यूजिबल फॉर्म्स ऑफ पार्टिकल्स में, उससे हम कहते हैं डाइजेशन। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रोटीन है, अगर आपने प्रोटीन रिच फूड खाया, फॉर एग्जाम्पल आपने एग खाया या मीट बीन्स, है ना, तो उनमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीनिशियस फूड्स। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। इसमें अमीनो एसिड्स जो होते हैं जुड़े होते हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं एक सिंगल जो कि इससे जुड़े होते हैं। तो जब इनका हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी वाटर की हेल्प से जिनका जब इनका ब्रेकडाउन होगा, कोई ऑफकोर्स कोई एंजाइम होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पेप्सिन एंजाइम, तो पेप्सिन इनको ब्रेकडाउन करेगा सिंगल सिंगल अमीनो एसिड्स, है ना, दीज आर अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। वैसे ही अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स ये फूड के मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे फूड के, तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी पॉलीसेक्राइड की चेन, जैसे स्टार्च जो हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने राइस खाया तो राइस में स्टार्च होता है ना, स्टार्च जैसे अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है, अमाइलोज अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है। तो जो एंजाइम है अल्फा अमाइलेज, वो विद द हेल्प ऑफ वाटर इनको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, फिर ये स्मॉल पार्टिकल्स और भी ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल इनटू सिंगल सिंगल पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज जो है वो ग्लूकोज से बनते हैं, तो फाइनली ये ब्रेक डाउन होंगे ग्लूकोज में और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है एलिमेंट्री कैनाल में होती है, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में और क्या क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल ऑल्सो एब्जॉर्ब्स वाटर, वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा विटामिन्स या फिर जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, एंड इट फाइनली एलिमिनेट्स वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी। जो भी फीकल मैटर है वो फाइनली फीकल मैटर रिलीज हो जाएगा आपके बॉडी से। तो ये है डाइजेशन का पूरा प्रोसेस। अब हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या कवर करना है, तो दो चीज़ें हमें पढ़नी है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें सारी प्रोसेस हो रही है डाइजेशन की, तो वो स्टार्ट होता है माउथ से, है ना, हम खाना खाते हैं माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन का पूरा प्रोसेस, माउथ से स्टार्ट होता है पूरा एलिमेंट्री कैनाल। माउथ लीड्स टू फेरेंक्स, फेरेंक्स जो है वो ईसोफेगस में लीड करता है, ईसोफेगस के बाद है स्टमक, स्टमक देन इंटेस्टाइन। स्टमक के बहुत सारे पार्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं वो भी हम आगे देखेंगे, देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फाइनली एनस। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से ग्लैंड्स के सेक्रेशन हेल्प करते हैं डाइजेशन में, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि माउथ में प्रेजेंट होता है, माउथ रीजन में सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके 3 पेयर्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में प्रेजेंट होगा। लिवर जो है आपको ध्यान में रखना है इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। देन पैनक्रियाज जो होता है इज अ ड्यूअल ग्लैंड, ड्यूअल ग्लैंड कैसे है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही सिक्रीशंस शो करता है। अब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सिक्रीशंस कौन कौन से हैं और क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो भी इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, देखिए माउथ है, माउथ देन ओरल कैविटी, जो इनसाइड जो कैविटी है वो ओरल कैविटी, देन माउथ लीड्स टू फेरेंक्स, है ना, ये रीजन है फेरेंक्स, फेरेंक्स से फिर फूड आता है ईसोफेगस में, फूड पार्टिकल आता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस लीड्स टू स्टमक, ये स्टमक पार्ट है, स्टमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन,
फिर उसे फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये पूरा रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसके थ्री पार्ट्स हैं एंड देन फूड फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फाइनली ये है पोर्शन, यहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये पूरा पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन फाइनली रेक्टम एंड देन एनस। अब लार्ज इंटेस्टाइन के देखिए इतने सारे पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स क्या क्या हैं मैं आपको आगे बताऊंगा हर एक पार्ट के बारे में। ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने आपको बोला था थ्री पेयर है ना, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, ये थ्री पेयर्स होते हैं इसके। और फिर लीवर जो मैंने आपको बताया लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। गॉल ब्लैडर एक एक्सेसरी ऑर्गन है, एक्सेसरी यानी एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है, इसका फंक्शन हम आगे देखेंगे। पैनक्रियाज ये है जो येलोइश लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है पूरा पैनक्रियाज जो कि स्टमक के बैक साइड जो प्रेजेंट है, ये है पैनक्रियाज। फिर इंटेस्टाइन में जो भी ग्लैंड्स होंगे वो इंटेस्टाइनल रीजन में प्रेजेंट होंगे। माउथ को हम देखते हैं, देखिए माउथ जो होता है माउथ के दो पार्ट्स होते हैं, पहला है ओरल वेस्टिब्यूल जो जस्ट जो एंट्रेंस ऑफ माउथ होता है, यानी ये जो एंट्रेंस ऑफ माउथ है जहां से उसकी एंट्री हो रही है वो है ओरल वेस्टिब्यूल, उसको हम कहते हैं ओरल वेस्टिब्यूल। तो जो एंट्रेंस है इट इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय लिप्स, लिप्स से उसकी बाउंड्री होगी, लिप्स प्रेजेंट होंगे और इसके और भी बाहर चीक्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चीक्स का जो एरिया है पूरा वो उसको आउटसाइड से कवर करते हैं। इंटरनली बाय गम्स एंड टिथ, ठीक है, गम्स होंगे एंड गम्स में जो टिथ प्रेजेंट है वो सब इसको इंटरनली माउथ के इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। तो ये है ओरल वेस्टिब्यूल की बात हमने की। फिर आप अंदर जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर कैविटी मिलेगी माउथ में, तो वो है ओरल कैविटी, ठीक है, इनर पोर्शन ऑफ माउथ जो इसका इनसाइड का जो पूरा पोर्शन है ये पूरा है इसका कैविटी। अब देखिए ओरल कैविटी में थ्री पार्ट्स हमें कवर करने हैं, पहला है पैलेट, दूसरा है टंग और तीसरा है टिथ, ये तीन हमें कवर करने हैं। तो हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे क्या क्या है। पैलेट जो वो है रूफ ऑफ ओरल कैविटी, यानी ये जो ओरल कैविटी की जो छत है, ठीक है, ये जो रूफ है इसका ऊपर वो है पैलेट, ठीक है, उसका रूफ। तो अगर आप अपने फिंगर से टच करेंगे यहाँ पे तो इतने पोर्शन में अगर आप टच करेंगे तो आपको ये जो पोर्शन है थोड़ा सा टफ लगेगा टच करने में, तो इसलिए इसका नाम दे दिया हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट बियर्स ट्रांसवर्स रिजेस, और अगर आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको इस तरह से ट्रांसवर्स रिजेस भी प्रेजेंट आपको फील होंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स रिजेस इन्हें हम कहते हैं रुगे, जस्ट एक टर्म है ट्रांसवर्स रिजेस के लिए, जो रिजेस होते हैं उनके लिए हम रुगे यूज करते हैं। देन सॉफ्ट पैलेट, अगर आप बैक साइड की थोड़ा टच करेंगे फिंगर ले जाएंगे तो ये जो पोर्शन है आपको बहुत ही सॉफ्ट अपीयरेंस इसका आपको फील होगा, ठीक है, इसलिए इसको सॉफ्ट होता है इसलिए इसको सॉफ्ट पैलेट कह दिया। स्मूथ होता है, कंटेन फ्री हैंगिंग फ्लैप कॉल्ड ओव्यूला, ठीक है, तो यहां से एक फ्री हैंगिंग जो फ्लैप है, ये जो फ्लैप है ये जो है इसे कहते हैं ओव्यूला, है ना, तो इसे हम लिटिल ग्रेप भी बोलते हैं, जस्ट कॉमन लैंग्वेज में इसे लिटिल ग्रेप बोल दिया, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है दिखने में इसलिए इसको लिटिल ग्रेप कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये था पैलेट। आगे देखते हैं टंग का स्ट्रक्चर। टंग की बात करें तो टंग अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ माउथ, जो फ्लोर ऑफ माउथ है उससे वो अटैच होता है बाय ए फोल्ड कॉल्ड लिंगुअल फ्रेन्युलम। तो लिंगुअल फ्रेन्युलम से अटैच होता है, यहाँ पे कहाँ है लिंगुअल फ्रेन्युलम, ये जो फोल्ड है ये है लिंगुअल फ्रेन्युलम, टंग इस फोल्ड से अटैच होता है फ्लोर को। तो अब देखिए कंडीशन जिसे हम कहते हैं एंकाइलोग्लॉसिया। एंकाइलोग्लॉसिया में क्या होता है कि कभी कभी किसी की टंग जो है वो जो लिंगुअल फोल्ड है जो लिंगुअल फ्रेन्युलम है वो बहुत ही शॉर्ट होती है या फिर रिजिड होती है, ये जो फोल्ड है ये बहुत ही शॉर्ट होती है या फिर बहुत ही रिजिड होती है, तो वो अपने टंग को कोई कोई अच्छे से हिला नहीं पाता, तो उसे हम कहते हैं टंग टाइड पर्सन, और इस कंडीशन को कहते हैं एनकाइलोग्लॉसिया। ये लोग क्लियरली बोल नहीं पाते, ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच, साफ साफ वो बोल नहीं पाएंगे, जो बोलेंगे आपको समझेगा नहीं, इस कंडीशन को कहते हैं एनकाइलोग्लॉसिया। इसकी ट्रीटमेंट होती है अगर आप यहाँ पे सर्जिकल कट मार करके टंग को फ्री करते हैं, ठीक है। और अगर आप टंग को देखें तो यहाँ पे मिडिल में आपको एक फेंट ऐसा लाइन दिखेगी टंग में, तो वो जो इसको लाइन को हम कहते हैं मीडियन सेप्टम, मीडियन सेप्टम या फिर मीडियन सल्कस,
मीडियन सेप्टम या फिर मीडियन सल्कस, ये टंग को टू इक्वली लेटरल हाफ्स में डिवाइड करती है, ठीक है, सिमेट्रिकल लेटरल हाफ्स, ये एक लेटरल हाफ, ये एक लेटरल हाफ, इस तरह से दो इसको इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करती है। अब आप देखेंगे टंग के सरफेस को, तो अपर सरफेस पे आपको बहुत सारे लिटिल प्रोजेक्शंस मिलेंगे, ये जो प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता है टंग का, अपर सरफेस, ठीक है, ये प्रोजेक्शंस जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं पैपिले, पैपिले, दीज आर लिटिल प्रोजेक्शंस। अब पैपिले का स्ट्रक्चर, मतलब पैपिले का फंक्शन क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं, ये हम देखते हैं। मैं आपको पैपिले बताने के पहले एक और चीज बता दूं कि टंग, यहाँ पे एक और सेप्टम होता है, वी शेप सेप्टम, जो कि टंग को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो सेप्टम है इसे हम कहते हैं, ये जो सेप्टम है इसे हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस, ये सेप्टम है, इसे सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। ये टंग को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक आपका हो गया पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट जिससे हम फेरेंजियल पार्ट भी बोलते हैं, फेरेंजियल पार्ट, क्योंकि फेरेंस से प्रेजेंट होता है, और ये जो पार्ट है ये है एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट या फिर ओरल पार्ट, ओरल पार्ट, या इसे हम कह सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट या फिर फेरेंजियल पार्ट, फेरेंजियल पार्ट। तो ये सर्कस टर्मिनलिस वी शेप, इस तरह से ये सेप्टम होता है वी शेप, ये टंग को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो वैलिड पैपिले होते हैं वो जस्ट इस सेप्टम के इनसाइड की ओर, यानी यहां जो आपको दिख रहे हैं इस तरह से, जो आपको लार्ज इस तरह से सर्कुलर पैपिले दिख रहे हैं, यही है वैलिड पैपिले, वैलिड या फिर इसको आप सर्कम वैलिड भी बोल सकते हैं, सर्कम वैलिड, वैलिड दोनों एक ही चीज है। इनकी नंबरिंग, नंबर कितने होते हैं नंबर में, 8 to 12 इन नंबर, यहाँ पे 8 या फिर 12 नंबर में प्रेजेंट होते हैं ये, और ईच कंटेन 100 टेस्ट बर्ड्स, यानी हर एक पैपिले में 100 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, एंड दीज आर द लार्जेस्ट पैपिले, आपको ध्यान में रखना ये लार्जेस्ट पैपिले होते हैं, वैलिड पैपिले, सबसे बड़े पैपिले आपको टंग में, जितने भी पैपिले हैं प्रोजेक्शन सबसे बड़े यही होते हैं उनमें। फिलीफॉर्म पैपिले की अगर हम बात करें तो फिलीफॉर्म पैपिले दीज आर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे होते हैं, एंड मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में आपको मिलेंगे फिलीफॉर्म पैपिले, सेंटर में, दीज आर प्रेजेंट इन सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज कंटेन टैक्टाइल रिसेप्टर्स, टैक्टाइल रिसेप्टर्स यानी रिसेप्टर्स फॉर टच, टैक्टाइल रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं रिसेप्टर्स फॉर टच, इनमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है टेस्ट बर्ड्स आर अब्सेंट, टेस्ट बर्ड्स आर अब्सेंट, अब्सेंट होते हैं। तो इनके लिए पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर्स। अब देखिए ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स भी रिसेप्टर्स है ना, रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट, ऐसे रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स फॉर, रिसेप्टर्स फॉर गस्टेशन, गस्टेशन, GUSTATION, दीज आर रिसेप्टर्स फॉर गस्टेशन। देन फंजाई फॉर्म पैपिले, जैसे इसका नाम बता रहा है फंजाई फॉर्म, मशरूम लाइक इन स्ट्रक्चर होते हैं एट द टिप्स एंड मार्जिन्स, तो ये एकदम टिप पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या फिर जो मार्जिन्स, ये जो रीजन है इनमें हमें फंजाई फॉर्म पैपिले देखने को मिलते हैं। फंजाई फॉर्म पैपिले दे ऑल्सो कंटेन टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स भी इनमें प्रेजेंट होता है, कितने होते हैं, जनरली हर एक पैपिले में 5 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यहाँ पे हर एक पैपिले में 100 थे, अप टू 100, यहाँ पे हर एक में अप टू 5 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल पैपिले की बात करें तो दे आर नॉट डेवलप्ड इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में ये फॉलिकल पैपिले प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज दे डी जनरेट इन चाइल्डहुड, वो चाइल्डहुड में ही डी जनरेट हो जाते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, देखिए ये जो पोर्शन है फॉलिएट पैपिले, ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फॉलिएट पैपिले, और ये चाइल्डहुड में ही डीजनरेट हो जाते हैं। अब टेस्ट एरियाज की बात करते हैं, तो टंग में 4 टेस्ट एरियाज होते हैं, और ये जो एरिया है बैक साइड जहाँ पे वैलिड पैपिले थे, वो एरिया होता है
टेस्ट फॉर बिटरनेस, जो भी आपको कड़वाहट जो बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो जो उसका एरिया कौन सा है वो टेस्ट को रिसीव करने के लिए, वो है ये एरिया, बैक पोर्शन ऑफ टंग, ये एरिया होता है फॉर बिटर। और सोर के लिए जो खट्टा जो टेस्ट होता है उसके लिए एरिया है ये रीजन होता है मार्जिन में बैक साइड की ओर। सॉल्टी के लिए ये रीजन है, एंड देन स्वीट के लिए जो आपका टंग का टिप होता है वो होता है स्वीटनेस, स्वीटनेस टेस्ट को परसीव करने के लिए। तो ये फोर रीजन्स हैं। अब देखिए, एक फिफ्थ न्यू टेस्ट डिस्कवर हुआ है जिसे हम कहते हैं उमामी। उमामी एक जैपनीज वर्ड है एक्चुअली, जैपनीज। उमामी का मतलब क्या होता है, किसके लिए यूज होता है ये, फॉर मीटी प्रोटीनिशियस फ्लेवर, प्रोटीनिशियस फ्लेवर, यानी ऐसे मीट, वैसे जनरली मीट में प्रोटीन की क्वांटिटी हाई होती है, मीट में मीट का एक अलग ही टेस्ट आता है, मीट का एक खुद का टेस्ट होता है, तो वो जो टेस्ट है उसको नाम दिया गया है उमामी। और उसका रीजन होता है यहाँ सेंटर में, यानी ये जो रीजन है पूरा, ये पूरा रीजन ये है उमामी के लिए, उमामी। हम देखते हैं इसके फंक्शंस ऑफ टंग। तो फंक्शंस ऑफ टंग, पहली बार जो टंग है उसे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहा गया है। एक्सेसरी यानी एक्स्ट्रा, यानी ये भी अलग से डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका फंक्शन है च्यूइंग, चबाने में हम टिप का तो यूज करते हैं, टंग का भी यूज करते हैं, स्वेलिंग में भी टंग का रोल होता है। ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टेस्ट के लिए ऑफकोर्स जितने भी टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो टंग में प्रेजेंट होते हैं। प्ले रोल इन स्पीच, स्पीच में भी टंग का रोल है। अब हम आते हैं टीथ पे। तो टीथ जब हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं, बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। पहला देखिए, जो कंडीशन है वो है डाइफायोडोंट, ये मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। ह्यूमंस में टीथ कैसे होते हैं, डाइफायोडोंट। डाई का मीनिंग क्या होगा, टू, यानी टू सेट्स ऑफ टीथ। हमारे इसमें टू सेट्स होते हैं पूरे टिथ के, कौन कौन से होते हैं, एक होता है मिल्क टिथ जिसे हम टेम्पररी टिथ भी बोलते हैं, टेम्पररी टिथ, और एक दूसरा होता है परमानेंट टिथ जिसे हम बोलते हैं ना दूध के दांत। तो सबसे पहले हमारे इसमें मिल्क टिथ आते हैं, वो टेम्पररी होते हैं, फिर वो कुछ सालों बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टिथ से। इस कंडीशन में कहते हैं डाइफायोडोंट। अब इसमें एक और कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, वो है पॉलीफायोडोंट। ये क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी, यानी जहां पे टिथ दो से ज्यादा बार आते हैं, यानी जो सेट्स हैं वो दो से ज्यादा हैं। टिथ अपियर मोर देन ट्वाइस, ठीक है, टिथ अपियर मोर देन ट्वाइस, तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीफायोडोंट। फॉर एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलता है ये, इन फिशेस या फिर एम्फीबियंस, उनमें हमें पॉलीफायोडोंट कंडीशन देखने को मिलती है। फिर दूसरा जो कंडीशन है वो है थीकोडोंट। तो थीकोडोंट का मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे टिथ होते हैं, टिथ एम्बेडेड इन सॉकेट्स, तो ये जो कंडीशन है टिथ, हमारे जो दांत होते हैं वो जॉ के अंदर जो गम्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ पोर्शन जॉ के अंदर जाता है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं रूट। ये जो पोर्शन जॉ के अंदर गया है इसे हम कहते हैं रूट। यहाँ पे भी आप देखिए जॉ के अंदर गया है, तो हमारे जो टिथ होते हैं वो सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जॉ के अंदर एम्बेडेड होते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं थीकोडोंट। इसमें एक और कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, दो और, एक है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट क्या होता है, टिथ अटैच टू द सरफेस, टिथ अटैच्ड टू द सरफेस, यानी टिथ है वो सरफेस को ही अटैच है, वो पूरा एम्बेडेड नहीं है, यानी अगर ये जॉ है तो जो टिथ है वो इसको कुछ इस तरह से अटैच होगा, इस तरह से वो उसको अटैच होगा, यानी वो पूरा इसके अंदर एम्बेडेड नहीं होगा, ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोडोंट। तो ये जो कंडीशन होती थोड़ी सी वीक कंडीशन होती, क्योंकि इतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि इनकी तरह सॉकेट के अंदर नहीं गया है, तो ये थोड़ा जो जॉइनिंग होती है थोड़ी वीक होती है। ये किसमें देखने को मिलता है, जनरली इन फिशेज, अगेन फिशेज एंड एम्फीबियंस, इसमें को ये कंडीशन देखने को मिलती है, एक्रोडोंट कंडीशन। तो ये थीकोडोंट पहला, एक्रोडोंट दूसरा।
अगेन इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट कवर करना है, वो है तीसरा प्लीरोडोंट। प्लीरोडोंट, प्लीरोडोंट कहते हैं ऐसी कंडीशन को वेयर टीथ अटैच्ड अटैच टू द लेटरल साइड ऑफ टू द लेटरल सरफेस ऑफ जॉ, लेटरल सरफेस ऑफ जॉ, यानी जो टीथ है वो कुछ इस तरह से अटैच होगा जॉ को, इस तरह से टीथ उसको इस तरह से अटैच होगा। ये जो टीथ है वो स्लैंटिंग पोजीशन में जॉ को अटैच होगा, इससे क्या होता है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करता है। इसके कंपैरिजन में ये जो जॉइनिंग है थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा टच में है दोनों का, तो इस कंडीशन में कहते हैं प्लीरोडोंट। ये किसमें देखने को मिलता है, जनरली रेप्टाइल्स में ऐसा देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स में भी जो लिजार्ड्स होते हैं, लिजार्ड्स एंड सेलेमेंडर्स, उसमें आपको प्लीरोडोंट कंडीशन देखने को मिलती है। तो बात करते हैं हेटरोडोंट की। हेटरोडोंट का मीनिंग क्या हुआ, हेटरो मीन्स डिफरेंट, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, जहां पे जो टीथ है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे इसमें आपको पता है कि चार तरह के दांत होते हैं, इंसिजर्स, कैनीन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर की अगर हम बात करें तो ये जो टिप पे प्रेजेंट होता है, ये देखिए जॉ का हाफ पार्ट है यहीं पे, और आप हाफ इमेजिन करिए यहाँ पे और हाफ होगा, तो टिप पे जो प्रेजेंट होता है ये होते हैं इंसिजर्स। फॉर कटिंग के लिए, हम काटने के लिए एकदम आगे के दांत यूज करते हैं तो ये इंसिजर्स। कैनीन्स जो होते हैं फॉर कटिंग वेयर एंड टीयर, वेयर एंड टीयर के लिए कैनीन्स होते हैं, कैनीन्स। तो कैनीन टीथ होता है वो वेयर एंड टीयर के लिए होता है। आपने देखा होगा जो लॉयन या फिर टाइगर होते हैं, जो भी कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स, उनमें कैनीन टीथ बहुत ही लंबा होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है पॉइंटेड, क्योंकि वो प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स, और इस तरह से उनको वेयर एंड टीयर के लिए वो टीथ यूज में आता है, जो फ्लैश होता है उसको वेयर एंड टीयर करने के लिए वो कैनीन यूज करते हैं। प्री मोलर्स एंड मोलर्स जो होते हैं, दीज आर ब्रॉड स्ट्रॉन्ग क्रशिंग टीथ, जब आप खाना चबाते हो तो आप इन दांतों का यूज करते हो, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, है ना, क्योंकि ये ब्रॉड होते हैं, ज्यादा ब्रॉड होते हैं, तो आप इसको च्यूइंग के लिए इसी को, इस इन टिप्स को यूज करते हो। हेटरोडोंट हो गया ह्यूमन के बाद, किसी किसी में जो कंडीशन होते हैं कि सारे टिथ होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं होता, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं होमोडोंट, उस कंडीशन को कहते हैं होमोडोंट। तो वो किसमें होता है होमोडोंट कंडीशन, फिशेस एंड एम्फीबियंस, इनमें जो सभी जो दांत होते हैं वो एक जैसे होते हैं। फ्रॉग के अगर आप दांत देखोगे सभी एक जैसे दिखेंगे आपको, कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आएगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं होमोडोंट। होमोडोंट, हेटरोडोंट, ये दो कंडीशंस हो गए। अब आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, जो एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, टस्क जो हाथी के दांत होते हैं जो बाहर की ओर निकले होते हैं, वो किसके मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन है इंसिजर्स के। कभी कभी ये पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बताया टस्क किसका मॉडिफिकेशन है, इंसिजर्स का मॉडिफिकेशन होता है टस्क। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर एंड डेंटल फॉर्मूले ऑफ टीथ। अगर मिल्क टीथ, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो टीथ है उसके दो सेट्स होते हैं, वी आर डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट, टू सेट्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। तो मिल्क टीथ जो होता है उसका नंबर कितना होता है, नंबर 20, मिल्क टीथ 20 नंबर, यानी बच्चों में हमारे दांत कितने होते हैं 20, और एडल्ट में कितने होते हैं 32। तो ये आपको याद रखना है 20, 32, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कब आते हैं, कम्स एट द सिक्स्थ ईयर ऑफ एज, यानी सिक्स्थ ईयर तक आते आते जब 6 साल के होते हो तब तक आपके सारे मिल्क टीथ परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं। हम डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला में आपको देखना है कि कौन से टीथ कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कितने टाइप के। मिल्क टीथ की अगर हम बात करें तो दीज आर 8, देर आर 8 इंसिजर, 4 कैनीन्स एंड 8 मोलर्स। यानी देखिए अगर आप इसको इस तरह से डिवाइड करिए जॉ को इक्वल हाफ पोर्शंस में और अपर लोअर जॉ को भी डिवाइड करिए, तो 8 इंसिजर है, यानी 8 इंसिजर्स कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे 2,
यहाँ पे टू, यहाँ पे टू एंड देन यहाँ पे टू, इस तरह से टू 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 टू, टोटल एट। फोर कैनिन्स होते हैं, फोर कैनिन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कैनिन वन टू थ्री एंड फोर, इस तरह से फोर कैनिन्स। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, कि यहाँ प्री मोलर्स आर अब्सेंट, प्री मोलर्स आर अब्सेंट, यानी मिल्क टेथ में, टेम्पररी टेथ में प्री मोलर्स अब्सेंट होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया कि भाई मिल्क टेथ में कौन से टाइप के टेथ अब्सेंट होते हैं, तो वो है प्री मोलर्स, है ना, प्री मोलर्स नहीं होते यहाँ पे। फोर कैनिन्स एंड डायरेक्टली एट मोलर्स, एट मोलर्स फिर वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो एट मोलर्स कहाँ पे होंगे, ये जो है लास्ट के एट, टू 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 एंड देन टू, है टू 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 टू, टोटल एट। तो इस तरह से एट मोलर्स हो गए, एट इंसिजर, फोर कैनिन्स एंड एट मोलर्स। तो जब आप बेबी के मिल्क टेथ का जब आप डेंटल फॉर्मूला लिखोगे, बेबी टेथ का डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में आप जो है अपर जॉ, यहाँ पे अपर जॉ का डिस्क्रिप्शन लिखोगे, यहाँ लोअर जॉ का डिस्क्रिप्शन लिखोगे, लेकिन हाफ हाफ, यानी अपर जॉ में ये जो हाफ पोर्शन है इसमें कितने टिथ प्रेजेंट है और लोअर जॉ में यहाँ पे हाफ में कितने टिथ प्रेजेंट है, क्योंकि सेम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और सेम यहीं पे इसी कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंसिजर, तो यहाँ पे टू इंसिजर्स हमें दिख रहे हैं इस फर्स्ट हाफ में, तो टू कैनिन्स कितने, फोर, यानी यहाँ पे हाफ हाफ में वन वन, यहाँ पे भी वन वन, तो टू वन, देन यहाँ पे प्री मोलर्स टोटली एब्सेंट है, सो जीरो एंड देन एट मोलर्स, है ना, यहाँ पे टू टू एंड टेन, देन टू एंड टू, तो यहाँ पे टू वन जीरो टू। लोअर जॉ में भी एकदम सेम कंडीशन है, तो यहाँ पे भी टू टू इंसिजर्स, वन कैनिन, जीरो प्री मोलर्स एंड टोटल टू मोलर्स, टू वन जीरो टू एंड टू वन जीरो टू। ये है बेबी का, बेबी या फिर बेबी का टिथ का डेंटल टिथ का फॉर्मूला या फिर मिल्क टिथ का फॉर्मूला, ये है टू वन जीरो टू, टू वन जीरो टू। अगर आप इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने हाफ हाफ पकड़ा है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टिथ मिलेगा 20। ठीक है, तो ये बात हो गई मिल्क टिथ की। अगर हम परमानेंट टिथ की बात करें तो देखिए क्या डिफरेंस है, मतलब जब ये रिप्लेस होते हैं मिल्क टिथ परमानेंट टिथ से, तो एट इंसिजर निकल जाते हैं और एट इंसिजर की जगह अगेन नए एट इंसिजर आते हैं। तो ये तो नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, एट रिप्लेस होकर के एट नए आ गए। तो यहाँ पे देखिए टू यहाँ पे, टू यहाँ, टू इंसिजर्स यहाँ एंड टू यहाँ, टोटल हो गए एट। कैनिन्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर नंबरिंग यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी फोर नंबर ऑफ कैनिन्स हैं, यानी ये फोर रिप्लेस, फोर चारों दांत निकल जाएंगे, गिर जाएंगे और गिरने के बाद चार नए कैनिन्स आएंगे, तो फोर फोर चारों की जगह नए नए आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे प्री मोलर्स थे ही नहीं, तो यहाँ पे एट प्री मोलर्स जो हैं वो नए आए, पहली बार आए। तो यानी कितने दांत है एडल्ट में जो कि मिल्क टिथ में नहीं थे लेकिन परमानेंट टिथ में पहली बार आए, तो वो है एट प्री मोलर्स जो कि पहली बार आ रहे हैं, और ट्वेल्व मोलर्स। देखिए नंबर यहाँ पे डिफरेंस है, ट्वेल्व यहाँ पे एट, है ना। तो मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये कैनिन्स हैं यहाँ पे, कैनिन्स प्री मोलर्स, ये दो प्री मोलर्स हैं और ये तीन मोलर्स हैं, यहाँ पे दो मोलर थे, यहाँ पे तीन मोलर का यानी थ्री का सेट आ गया, थ्री 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 थ्री, तीनों जगह तीन तीन का सेट आ गया, यानी मोलर्स की जो काउंटिंग है वो एक से इंक्रीज हो गई हर एक सेट में, यानी एट की जगह टोटल ट्वेल्व मोलर्स हो गए। तो यानी कितने एक्स्ट्रा है, ट्वेल्व माइनस एट, यहाँ पे फोर मोलर्स भी एक्स्ट्रा आ गए, तो टोटल टिथ कितने एक्स्ट्रा है, ट्वेल्व। तो इसलिए अगर 32 है तो 32 माइनस 20 करिए, आपको डिफरेंस मिलेगा 32 माइनस 20, आपको डिफरेंस मिलेगा 12। तो 12 टिथ जो हैं वो एक्स्ट्रा आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 12 टिथ जो हैं वो पहली बार आते हैं और 20 जो टिथ हैं वो रिप्लेस होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्या कि 12 टिथ इन ह्यूमंस, 8 प्री मोलर्स एंड 4 मोलर्स आर मोनोफायोडोंट,
यानी मोनो मीन्स सिंगल, जो लाइफ में एक ही बार आते हैं। तो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ 32 हम डाइफायोडोंटा मीन्स सभी के सभी 32 दांत लाइफ में दो बार आते हैं, नहीं, उसमें से खाली 20 दांत हैं जो कि मिल्क टिथ प्रेजेंट होते हैं और 20 के 20 फिर से आते हैं प्लस 12 टिथ एक्स्ट्रा आते हैं, तो टोटल हो गया 32। तो 20 टिथ आर डाइफायोडोंट, 20 टिथ आर डाइफायोडोंट एंड 12 टिथ आर मोनोफायोडोंट, 12 टिथ आर मोनोफायोडोंट। और अगर हम एडल्ट का डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होगा, देखिए 8 इंसिजर है तो अगेन 2 हर एक अपर हाफ में, ठीक है, वैसे ही लोअर हाफ में भी एक, अगर हाफ की बात करें तो 2, देन 8 4 कैनीज मीन्स 1 1, देन प्री मोलर्स 8 है यानी दो हर जगह होंगे 2 2 2 2, एंड देन 12 मोलर्स यानी 3 का सेट होगा 3 3, 2 1 2 3 2 1 2 3, ये है एडल्ट के लिए डेंटल फार्मूला, आपको भूलना नहीं, ये एडल्ट के लिए, ये बेबी के लिए, यानी ये मिल्क टेथ फार्मूला है, ये परमानेंट टेथ फार्मूला है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ टेथ 32। तो देखिए मैंने आपको क्वेश्चन लिया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है कि डेंटल फार्मूला ऑफ एडोलेसेंट ह्यूमन बीइंग बिफोर 17 ईयर, यानी जब एक ह्यूमन बीइंग है वो 17 ईयर का हो चुका है तो उसके जस्ट पहले उसका डेंटल फार्मूला क्या होगा। तो हम, मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिथ कब आते हैं, परमानेंट टिथ 6th ईयर ऑफ एज में आ जाते हैं, तो उसका मतलब आप सोच सकते हैं कि भाई 2 1 2 3 है एडल्ट का, 2 1 2 3, तो इसका आंसर बी सेकेंड होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट है, देखिए जो थर्ड मोलर होता है, मोलर यानी जो लास्ट टिथ है आपका जॉ में, अपर जॉ लोअर जॉ, ये अपर जॉ लोअर जॉ है, तो यहाँ पे जो लास्ट टिथ है थर्ड मोलर, यहाँ का भी थर्ड मोलर, यहाँ का थर्ड मोलर, यहाँ का थर्ड मोलर, यहाँ का थर्ड मोलर, अपर जॉ लोअर जॉ दोनों में, ठीक है। तो ये जो टिथ होते हैं ये बहुत ही देर में आते हैं, ये कब आते हैं, अप टू 18 to 20 ईयर्स के अराउंड ये आते हैं, 18 से 20 साल के बीच में थर्ड मोलर आता है, जब हम एडोलेसेंट एज पार कर चुके होते हैं, वेन वी बिकम वाइज, हम एडल्ट हो गए, मतलब उस कंडीशन को कहते हैं कि हम वाइज हो गए, तब ये थर्ड मोलर टिथ आते हैं, तो इसलिए थर्ड मोलर को नाम दिया गया विजडम टिथ, विजडम टिथ। तो विजडम टिथ किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन है, विजडम टिथ कहा जाता है थर्ड मोलर को, ठीक है। तो थर्ड मोलर आते हैं 18 to 20 ईयर्स के एज में, तो 17 ईयर के एज में क्या होगा, देखिए बात हो रही है मोलर की, तो इंसिजर कैनीन्स प्री मोलर्स एंड ये वैसे ही रहेंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे मोलर्स की तो एक हट जाएगा, तो 2 1 2 2 एंड 2 1 2 2, सो आंसर इज 1। देखिए मैंने आप एक और क्वेश्चन लिया है, इफ द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट इज 2023 1023, अगर ये रैबिट का डेंटल फार्मूला है तो व्हाट डज इट शो, ये क्या शो करता है, ये इसके ऑप्शंस हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अपर पार्ट है वो हमेशा अपर जॉ के लिए रहता है, अपर हाफ जॉ, एंड लोअर पार्ट जो है लोअर हाफ जॉ को डिनोट करता है। तो देखिए यहाँ पे नंबर अलग अलग है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको यही समझना है कि ये अपर जॉ के लिए ही है और ये लोअर जॉ के लिए ही है, लेकिन अपर जॉ में जो है जरूरी नहीं है हमेशा कि जितने अपर जॉ में टिथ हो वही लोअर जॉ में भी उतनी टिथ हो, नंबरिंग डिफर कर सकती है, तो रैबिट में ऐसा ही होता है। अगर आप देखेंगे अपर जॉ में जो इंसिजर्स हैं वो 2 होते हैं और लोअर जॉ में 1 होता है, तो इंसिजर्स देखिए यहाँ पे एक और इसके बैक साइड एक और इंसिजर प्रेजेंट होता है, तो अपर जॉ में टोटल 2 इंसिजर्स, लोअर में 1, और अगर हम देखिए यहाँ पे 0 0 यानी कैनीन्स यहाँ पे एबसेंट है, कैनीन्स यहाँ पे एबसेंट है, देन अपर जॉ में प्री मोलर्स है 3, तो देखिए जो लाइट ब्लू कलर है वो है प्री मोलर्स, तो प्री मोलर्स है 3 अपर जॉ में, और लोअर जॉ में जो प्री मोलर्स है वो है 2, खाली 2 प्री मोलर्स हैं, तो ये देखिए यहाँ पे खाली आपको 2 खाली प्री मोलर्स दिख रहे हैं, है ना, और यहाँ पे आपको 3 प्री मोलर्स दिख रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें लास्ट जो है मोलर्स, तो उसकी नंबरिंग सेम है 3 3, यानी मोलर्स जो है वो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इस तरह से कंडीशन होती है कभी कभी।
यहां पे क्या ये कह रहा है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2033 1023 इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ मिलेगा आपको 28। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है रैबिट में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना रहता है, 28। रैबिट का मैंने इसलिए दिया क्योंकि रैबिट के क्वेश्चंस जनरली आते हैं, ह्यूमन और रैबिट इनमें जनरली कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट डज इट शो, टोटल नंबर ऑफ टीथ इन रैबिट इज 15, नहीं 15 तो होगा नहीं टीथ क्योंकि टोटल करने पर 28 आ रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। देन नंबर ऑफ टोटल इंसिजर्स इन रैबिट इज 3, टोटल नंबर ऑफ इंसिजर 3 है, ये हो सकता है क्या? तो इंसिजर्स देखिए कितने यहाँ पे 2, टोटल नंबर ऑफ इंसिजर 3 है कि नहीं, ये देखिए तो अपर हाफ जॉ का है 2 और ये लोअर हाफ जॉ का है तो 1, ये हो गया 3। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो अदर हाफ पार्ट के लिए तो आता है 6, यानी ये पार्ट भी गलत है। फोर्थ हम देखते हैं ऑप्शन फोर्थ, इफ द फॉर्मूला ऑफ 203, इन द फॉर्मूला 2033 इज फॉर एडल्ट एंड 1023 इज फॉर यंग वंस। ऐसा कभी नहीं होगा कि फॉर्मूले में अपर पार्ट एडल्ट के लिए है, लोअर पार्ट यंग वन के लिए, ऐसा नहीं। फॉर्मूला कभी भी अपर जॉ और लोअर जॉ के लिए दिया रहता है और किसी भी एक फॉर्म के लिए दिया रहता है, तो ये पार्ट भी गलत है। थर्ड देखिए, डायस्टिमा इज प्रेजेंट बिटवीन इनसिजर्स एंड प्रीमोलर्स। अब डायस्टिमा क्या होता है, देखिए यहाँ पे कैनीन्स जो है वो 0-0 है, 0, तो ये जो स्पेस डेवलप हुआ है इसे कहते हैं डायस्टिमा, ठीक है। तो रैबिट में जो देखिए जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था हर्बीवोर्स जो होते हैं उन वो प्लांट ईटिंग प्लांट मटेरियल ईटिंग ईट करते हैं, तो हर्बीवोर्स होते हैं उन्हें कैनीन्स की जरूरत नहीं है क्योंकि कैनीन्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्निवोर्स कंटेन कैनीन्स, तो वो कैनीन्स कार्निवोर्स से प्रेजेंट होंगे। हर्बीवोर्स जो है वो फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो उनमें जो होता है वो कैनीन्स टोटली एबसेंट होते हैं क्योंकि कैनीन्स का फंक्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो उसमें जो स्पेस डेवलप होता है स्पेस को कहते हैं डायस्टेमा, उस स्पेस को कहते हैं डायस्टेमा, तो इसका आंसर है थर्ड। और देखिए कभी कभी ह्यूमन में भी टीथ गैप प्रेजेंट होता है, इस गैप को भी हम कहते हैं डायस्टेमा, यानी डायस्टेमा क्या है कि टीथ गैप, जहां पे टीथ में गैप होगी उस पोर्शन को हम कहते हैं डायस्टेमा। तो जैसे रैबिट में ये पोर्शन यहाँ पे गैप है इन सीजर्स और प्रीमोलर्स के बीच में, तो ये है डायस्टेमा।